जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। आप लोग हमेशा गाजर को खिसकर बनाते होंगे। आज देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ना इसमें घी जाने वाला है, ना ही गाजर खिसने वाले हैं। बिना खिसे बिना घी के हम कुकर में इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने 1 किलो गाजर को छिलके निकाल कर धोकर ले लियो। अब हम इसको मोटा मोटा कटिंग करेंगे। हमें जाड़ा जाड़ा ही कट करना है। देखिए मैंने गाजर को मोटा मोटा काट कर कुकर में डाल दी है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप पानी। अभी हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 2 सीटी ले लेंगे। देखिए मैंने 2 सीटी ले ली हूँ। गाजर हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास दूध। अभी हम इसको 5 मिनट तक के पकाएंगे। पकने के बाद हम इसे मैश करेंगे। गाजर खिसने के बजाय आप इस तरीके से कुकर में बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से भी पकता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। गाजर देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। अभी हम इसका दूध सूखने तक के इसे पकाएंगे। गाजर में दूध अच्छे से सूख चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इसमें डालेंगे 1 बाटी शक्कर। शक्कर को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए शक्कर का पानी छूट चुका है। अभी हम इसका पानी सूखने तक के पकाएंगे। देखिए शक्कर का पानी सब अच्छे से सूख चुका है। अभी इसमें मैं डालूंगी फीका मावा, कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू। अभी इन सब चीज को मैं हल्के से मिक्स करूंगी। देखिए ये मिक्स हो चुका है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना गाजर का हलवा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।